हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता संजय दत्त, जिन्होंने अपनी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से सभी लोगों का दिल जीत लिया। जब खलनायकी पर उतरे तो सभी लोगों के छक्के छुड़ा दिए, और जब उन्होंने संदेश देना चाहा एक समाज को तो उन्होंने बखूबी उस फिल्म में अपनी बेहतरीन भूमिका से सभी लोगों का दिल जीत लिया। ठीक ऐसे ही कुछ रहा है अभिनेता संजय दत्त का फिल्मी करियर, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा से ही विवादों भरी रही है, या यूं कह लें कि संजय दत्त को अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी दुख तकलीफें उठानी पड़ी, और इसी बीच संजय दत्त के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, संजय दत्त को फेफड़े में कैंसर है, उन्हें तीसरे स्टेज का एडवांस कैंसर है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और उनका परिवार कल इस बारे में घोषणा कर सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, जिसके रिपोर्ट्स नेगेटिव। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद संजय दत्त 10 अगस्त को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए। हालांकि अस्पताल से वापस लौटने के बाद से उन्होंने घोषणा कर दी कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन्होंने इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे बताया कि वे काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूं। मेरे दोस्त और परिवार लोग मेरा साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले परेशान ना हों और बेकार की कयासबाजी भी ना करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ मैं जल्द ही लौटूंगा। तो ये समय की सबसे बड़ी खबर है कि संजय दत्त को फेफड़े में कैंसर हो गया है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, संजय दत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं में से शुमार है जो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट पर अगर नज़र डालें तो फिल्म सड़क 2 में वो आलिया भट्ट और आदित्य राय कपूर के साथ नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म टोरबाज भी कुछ समय बाद रिलीज होने वाली है। इसी के साथ ही KGF पार्ट 2 में भी एक्टर यश के साथ वो नजर आने वाले हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें इलाज के लिए अब शायद अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच संजय दत्त कैंसर की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब से ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई है तब से संजय दत्त के चाहने वाले उन्हें लगातार दुआएं दे रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं।